हेयरपिन में मिले बाल का और रोहिणी के बाल का डीएनए मैच नहीं हुआ। बस एकदम क्लियर, इसका मतलब रोहिणी विश्वा के घर पे गई नहीं थी, तो ये हेयरपिन और ये सब किसका है? प्रश्न ये नहीं कि हेयरपिन किसका है, प्रश्न ये है कि जिसका हेयरपिन है वो इतनी सरलता से विश्वा के घर में आई, प्रवेश किया और वहां से चली भी गई। हेलो, मैं संग्राम बोल रहा हूँ। बोलिए, सुन रहा हूँ। सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। तुम शहरी लोगों के कारण हमारे गांव में एक बच्चे की जान खतरे में आ गई है। बच्चे की जान खतरे में आ गई है, समझा नहीं। उस भूतिया पतंग ने गांव के एक बच्चे को उठा लिया। पाठक बाबू, याद रखना, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। वरुण जी। सर, बड़ी अजीब बात है, भूतिया पतंग ने एक बच्चे को उठा लिया, पता लगा चक्कर क्या है? अरे विजय भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम विजय नहीं है, मेरा नाम रमेश है। ओह हाँ, रमेश भाई, क्या हाल है आपके? बस ठीक हूँ। अरे और आप हमसे नहीं पूछेंगे हम कैसे? बता दो कैसे हो आप। अरे रमेश भाई, अब हम आपको क्या बताएं कि हम कैसे हैं? अरे हालत बहुत खराब है हमारी, परेशान हो गए। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि बच्चा पैदा करके ना गलती कर दी हम। बच्चा पैदा करके गलती करी, क्यों? अरे हमारा लड़का है ना, बहुत जिद कर रहा है, बोल रहा है कि उसको भूतिया पतंग देगा। अब आप ही बताइए, आजकल के जमाने में भूतिया भूतिया पतंग होता है क्या? नहीं ना, पर उस छोरे को कौन समझाएगा? भैया भूतिया पतंग होता है, कल ही हमारे गाँव के एक बच्चा था, छोटा बच्चा जुगनू, उसको पतंग उड़ा के ले गई। क्या बात करे, हाँ सच में भूतिया पतंग होता है? हाँ होती है भैया भूतिया पतंग। अरे रमेश भाई, फिर तो उसके माँ बाप बहुत दुखी होंगे ना, वो रो रहे होंगे ना, उनका घर कहाँ है? हमको बताओ तो, हम जाके मिल लेते हैं उनसे। हाँ उस तरफ, दाएं तरफ, आगे से दाएं तरफ। धन्यवाद। उन शहरी लोगों की वजह से हमारे गांव की पूरी शांति भंग हो गई है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि पतंग ने हम गांव वालों पर आक्रमण किया, जुगनू को उठा कर ले गई। इससे पहले कि वो कोई और तबाही लाए, हमें उसका इलाज करना होगा। इस सारे फसाद की जड़ है ना, वो केड़ी पाठक है। उसने उस गुनेगार सोमू का केस लेकर अच्छा नहीं किया, बिना वजह हमारे गांव का नाम अखबारों में आया और विश्वा दादा को भूत बोलकर बदनाम किया, तो उनकी आत्मा को गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल सही, लेकिन अब विश्वा दादा को शांत कैसे किया जाए? मैंने उसका इलाज सोच लिया है। क्या है वो इलाज? मैं विश्वा से बात करूंगा और उससे पूछूंगा आखिर वो चाहता क्या है। इसका मतलब आप विश्वा दादा की आत्मा से बात करेंगे? हाँ, वो पतंग के माध्यम से अपना गुस्सा हम पे जता रहा है, मैं उसे पूछूंगा आखिर वो चाहता क्या है। अरे ये पतंग, ये वही भूतिया पतंग है। अरे ये भूतिया पतंग, इसका मतलब विश्वा की आत्मा मुझसे नाराज है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, भागो यहां से।
स्पेंडन को तो मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है वो नाम याद कर। एडिसो को फोन करता हूँ। हाँ वरुण बोल। सर भूतिया पतंग ने सच में एक बच्चे को उठा लिया और गांव वाले विश्वा की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका प्लान जान सके। ठीक है तू अपनी आंखें और कान खुले रख। राइट सर। सर यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जिसने गांव के ड्रेस के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे तो मुझे तो लगता है कि वो लड़की शहर की है और उसने सब पर नजर रखी हुई थी। सर मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो बचकर निकल गई। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया लेकिन भागते हुए वो एक पेड़ से टकराए। उस पर एक कील थी सो उस कील पर ताज़ा खून। तो मुझे तो लगता है कि उस लड़की को उस कील से खरोच आई होगी। सो वहाँ आगे मैंने एक पेंडेंट को देखा। सो ये पेंडेंट मैंने पहले कहीं देखा है सर। मुझे तो लगता है ये पेंडेंट उस लड़की का ही है। अपने मोबाइल से फोटो ले और मुझे भेज। ओके मेरा नाम राकेश सक्सेना है। मैं एक फार्मेसिस्ट हूँ और डीजीएन नगर में मेरी एक केमिस्ट की दुकान है। और ये बात सच है कि सोमू ने मेरी दुकान से ट्राइकोलोन टेराऑक्साइड केमिकल खरीदा था। और ये वही केमिकल है जो राहुल की बॉडी में पाया गया। मैंने ये केमिकल किसी का खून करने के लिए नहीं लिया था बल्कि इस केमिकल की मदद से हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशंस करते थे। क्रिस पुरी, मतलब क्या प्रमाणित करना चाह रही हैं आप? कि मेरे मुवक्किल सोमू ने इनकी दुकान से वो रसायन प्राप्त किया तो हत्या भी इन्होंने की। मिस्टर पाठक। जी मिस पुरी। उस वक्त वहाँ इनके अलावा और कोई नहीं था? था नहीं, थी। वही योर ऑनर जिसका हेयर पिन वहाँ से मिला। लेकिन मिस्टर पाठक वो हेयर पिन रोहिणी का नहीं था। रोहिणी का नहीं था, वो हेयर पिन प्रियंका का था योर ऑनर। प्रियंका जी, यदि मैं कहूं कि जिस रात राहुल की हत्या हुई उस रात आप वहां विश्वा के घर में उपस्थित थी तो क्या कहेंगी आप? ये गलत है, मैं वहां नहीं थी। अच्छा प्रियंका जी, अगर मैं कहूं कि ये हेयरपिन वहां विश्वा के घर से बरामद हुआ जिस समय राहुल की हत्या हुई उस समय आपने ये वहां छोड़ा, तब आप क्या कहेंगी? ये हेयरपिन मेरा नहीं है। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि ये हेयरपिन मेरे सहायक श्रमण, देखिए वहाँ मेरे पीछे बैठे, उन्होंने आपके घर से प्राप्त किया है, तब आप क्या कहेंगे? नमस्कार, हमने आपको बताया कि हम यहाँ मोहल्ले के जो एमएलए हैं उनके सहायक। अच्छा, देखिए हमने जैसा कहा, हम तो जनता के सेवक हैं, आपके सेवक हैं, हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए मच्छर बहुत हो गए हैं, जैसे आपको पता है कि आज के जमाने में लोग आतंकवादियों से कम मच्छरों से ज्यादा डरते हैं। जी हाँ, डेंगू फैल गया ना, डेंगू। हमारे एमएलए साहब ने डेंगू का एंटीडोट बनाया। आप वो सब छोड़िए, आपके घर में पानी है? ऑफ कोर्स, घर है तो पानी तो होगा ही। तो डेंगू तो है। डेंगू? जी हाँ डेंगू। आपके घर में कचरा है? कचरा? हाँ, नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो एमएलए साहब ने ये किधर ये बनाया? क्या ये? एमएलए साहब ने ये डेंगू का एंटीडोट कपूर बनाया है। ये स्पेशल कपूर है, एंटीडोट कपूर। कहाँ रखेंगे आप इसे? आप ही बता दीजिए कहाँ पे रखूंगी मैं। हाँ हाँ, हम बताते हैं आपको। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रखती, अपने बेडरूम में। एक काम कीजिए, आप अपने तकिया लाइए, हम आपको ये एंटीडोट रखना सिखाते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, मैं लेकर आती हूँ। आप रख देना वहाँ पे। तकिया लाइए, मैं आपको डाल के बताता हूँ कैसे डाल। किडी बॉस, यू आर वेरी लकी। बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ, मैं राहुल का पीछा करते करते विश्वा के घर तक गई थी। मुझे शक था कि राहुल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने एक आध बार सोमू से भी पूछना चाहा, लेकिन उसने बात टाल दी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसका पीछा करूंगी तभी मुझे हकीकत पता चलेगी। तो संभवतः जब आप पीछा करते करते वहां विश्वा के घर तक पहुंची तो आपका संदेह उचित निकला।
आपने वहां दोनों को एक साथ देखा, राहुल को और रोहिणी को, और दोनों की वार्तालाप भी सुनी। 6 महीने से तुम मुझे उल्लू बना रहे, शादी करके शहर ले जाने वाले थे, क्या हुआ, कब ले जाओगे? अरे बाबा बहुत जल्द लेके जाऊंगा, अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। सच कह रहे हो या शहर में कोई और लड़की फंसा रखी है? चल पागल गंगी, तेरे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं, कसम से। वार्तालाप सुन के स्वाभाविक है कि आपको अति क्रोध आया होगा और आपने राहुल की। Nonsense. I'm sure your honor, प्रियंका को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन उसके पास राहुल को मारने के लिए वो जहरीला केमिकल कहाँ से आया? Your honor, यही है सोमू, पूछ लेते हैं। सोमू, दुकान से वो रसायन प्राप्त करने के बाद उसे कहाँ रखा था तुमने? राहुल के कमरे में। राहुल के कक्ष में रखा था Your honor, वो रसायन। अब प्रियंका पर राहुल के कक्ष में आने जाने से वो कोई प्रतिबंध तो था नहीं इन पर, तो ये संभावना है Your honor कि ये वहाँ गई हो और उन्होंने राहुल के कक्ष से वो रसायन प्राप्त किया हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। क्यों? नहीं नहीं, मैंने वो केमिकल नहीं निकाला, मुझे राहुल को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ नजर रख रही थी। नजर रख रही थी तो नजर रखा होगा आपने, हत्या के समय आप उपस्थित तो थी ना, थी ना, नजर रख रही थी ना, तो आपने हत्यारे को देखा होगा, देखा होगा। हाँ देखा मैंने। तो बस फिर कष्ट क्या है, बताइए कौन? वो पतंग। हाँ वो पतंग ने ही खून किया है राहुल का। मैं सिर्फ गुस्से में थी और उस वक्त मुझे खुशी हुई कि राहुल जख्मी हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि वो मर जाएगा। देखिए प्रियंका जी, मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आप मेरे मुवक्किल सोमू पर आरोप नहीं लगा रही हैं राहुल की हत्या का। इसका ये अर्थ नहीं होता कि मैंने ये बात मान ली, इस बात पर विश्वास कर लिया कि आपने राहुल की हत्या नहीं की है। जो भी हो ये बताइए कि जिस समय राहुल की हत्या हो रही थी, वो पतंग हत्या कर रहा था राहुल की, सोमू कहाँ था? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सोमू की आवाज सुनी थी और मैं छुप गई थी, फिर वो भूतिया पतंग राहुल का खून करके उड़ गई, फिर खाली मैंने सोमू की चीख सुनी थी। नहीं देखिए मैं Your honor, अपने सहायक वरुण को मैंने सिंधुगढ़ भेजा था छानबीन करने के लिए, वो मुझसे वार्तालाप करना चाह रहा है मोबाइल फोन पे, आपकी आज्ञा हो तो, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण हो। इजाजत है। धन्यवाद Your honor। हाँ वरुण बोल। क्या कब? ठीक है भेज दो। अच्छा पाठक क्या हुआ? Your honor, वहां सिंधुगढ़ में बहुत ही विचित्र घटना घट रही है। वरुण मुझे उसका अपने मोबाइल फोन से लिया गया चलचित्र भेज रहा है, आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ कोर्ट में चला दूँ। इजाजत। गांव वालों तुम लोग तैयार हो जाओ, विश्वा को मैं अपने शरीर में बुलाने वाला हूँ, तुम लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनना और पूछना आखिर वो चाहता क्या है। हाँ पंडित जी। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहे सकल भूतानां सात्री डाकी नाम किसे दुष्टा नाम सर्वेशम आकर्षय आकर्षय फट स्वाहा। विश्वा, ओ विश्वा, आओ आओ मेरे शरीर में प्रवेश करो मेरे शरीर में। ये तुम्हारा भी गांव था, यहाँ जो कुछ भी गलतियाँ हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। विश्वा आओ। ये वही पतंग है, ये वही खूनी पतंग है। हाँ हाँ सर, ये वही पतंग है, मैंने भी इसे देखा था। तुम सब मेरे गुनाहगार हो, अरे मेरे पति के पास भी
मेरी आत्मा को शांति नहीं दे सके। तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। महाराज, विश्वा महाराज, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? हम गांव वालों की कोई गलती नहीं है और मेरे बेटे की भी कोई गलती नहीं थी। अरे वो तो इन सब बातों से मासूम अनजान था। अरे उसे क्यों उठा लिया? मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए विश्वा दादा। विश्वा महाराज, अब इन दोनों का बच्चा जुगनू जब से गया है बहुत दुखी है बेचारे। जुगनू सही सलामत तो है ना? मैंने उसको मार डाला। लोगों को एक एक करके मारूंगा। एक छोटे बच्चे की जान लेने से तुम लोगों को मारूंगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं 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 महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप हमें बताइए हमें क्या करना होगा आपकी आत्मा की शांति के लिए। हम सब कुछ करेंगे। सोनू और राहुल, मेरे घर में घुस करके सबसे बड़ी गलती की। राहुल को तो मैंने मार डाला, अब सोनू की बारी है। सोनू को तुम लोग मेरे घर लाओ, मेरे हवाले लाओ। उसे जब मैं मारूंगा हम लाएंगे सोमू को। महाराज, हम आपको वचन देते हैं, हम सोमू को लेकर आएंगे। दादा की जय। दादा की जय। ये क्या पागलपन है? योर ऑनर, ये तो मुझे स्वयं नहीं पता कि वो क्या हो रहा था वहां, लेकिन आश्चर्यचकित हूँ मैं कि विश्वा की आत्मा को बुलाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ रखा गया या उन्होंने हवन किया गया, जबकि विश्वा की आत्मा वो उस पतंग के रूप में स्वयं मेरे ऑफिस पधारी थी बिना बुलाए या उन्होंने धमकी भी देकर गई। तो तात्पर्य ये है, यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि इस पतंग के बारे में गहरी छानबीन करे। कोर्ट इज एडजर्न्ड for the day. सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। गांव वाले जबरदस्ती मुझे विश्वा के घर पे ले जाना चाहते हैं। तुझे बचाने का ही प्रयत्न कर रहा हूँ पर करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊं। धैर्य रखो। पाठक बाबू, सोमू को हमारे हवाले कर दो। क्यों? सोमू को क्यों आपके हवाले कर? पाठक साहब, विश्वा की आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश किया था और वो सोमू को गांव में लाना चाहती है, वरना गांव में तबाही आ जाएगी। अच्छा, विश्वा जी की आत्मा बधारी थी और क्यों उन्होंने क्यों बुलाया है सोमू को? कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि सोमू ने उसके घर में प्रवेश किया था, इसलिए वो गुस्से में है और उसे बदला लेना भी चाहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, विश्वा की आत्मा सोमू पर इस कारण क्रोधित है कि सोमू उसके घर में घुसा था। अगर यही कारण है तो क्रोध तो प्रियंका जी पर भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो घुसी थी। दोबारा जब उसकी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो गांव वाले पूछ लेंगे। फिलहाल आप इसको रिहा कर दीजिए, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। आपको न्यायाधीश महोदय के सामने अर्जी डालनी पड़ेगी, फिर वही निर्णय लेंगे कि सुमू को रिहा किया जाए या नहीं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। चलो रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपने सुमू को हमारे हवाले नहीं किया तो हम पुलिस थाने के आगे धरना देंगे। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ये आपके और पुलिस के बीच में है, इसमें मेरा क्या काम। मैं चलता हूँ, आगे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सोमू को हमारे हवाले कर दो।
अगर आपको धरना देना है तो बाहर रहके दीजिए, और वो भी शांति के साथ, वरना सबको अंदर कर दूंगा। चलो सोमो, तू बचेगा नहीं, देख लेना वो भूतिया पतंग तुझे लेने के लिए जेल तक भी आएगी। चलो नहीं बचेगा तू। सर इतना तो पक्का है कि प्रभाकर जी झूठ बोल रहे हैं, उनमें कोई आत्मा नहीं आई होगी। हाँ बॉस, लेकिन जो भी है एकदम सॉलिड एक्टिंग करता है, एक फुल एकदम हॉरर फिल्म के तांत्रिक माफिक एकदम सॉलिड। पर वो ऐसा ढोंग क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन सर्वप्रथम ये पता लगाना है वरुण, जुगनू कहाँ है। प्रभाकर आत्मा की आवाज में कह रहा था कि जुगनू का भी खून हो गया। बस अगर उसके अंदर भूतेज नहीं था तो उसको कैसे मालूम चला कि जुगनू का खून हुआ है? श्रमण ठीक कह रहा है वरुण, मेरी भी छठी इंद्री यही कह रही है कि वो जीवित है, उसे ढूंढना है। तो एक काम कर। योर ऑनर, हमें सोमू के घर से कुछ जले हुए कागज के टुकड़े मिले। हमने उसे जब रिकंस्ट्रक्ट किया तो कुछ शब्द हमारे सामने आए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर सबके सामने उसे पढ़ना चाहूंगी। इजाजत। सोमू, अगर तुम मुझे इस बात का सबूत लाकर दोगे कि भूतिया पतंग वाकई में है तो तुम्हें 300,000 रुपए मिलेंगे। Order, order, silence in the court, please. Your Honor, motive of murder तो अब सामने आ गया। प्रियंका ने कहा था कि राहुल वो भूतिया पतंग की पिक्चर्स ले रहा था उस वक्त, लेकिन जब हमने कैमरा में देखा तो हमें कोई पिक्चर्स मिली ही नहीं। Your Honor, क्यों? क्योंकि सोमू ने वो 300,000 हड़पने के लिए वो पिक्चर्स वहां से सारी ऑलरेडी निकाल ली थी। Your Honor, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये ऑफर मुझे मिला जरूर था, लेकिन मैंने उसे जला दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। आगे क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ। योर ऑनर, उसके बाद सोमू जी ने सारे सबूत अपने पास रख लिए, डिक्की में वो वायर डाली और उसके बाद गांव की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। मेरा यकीन मानिए जज साहब, मैंने राहुल का कैमरा छुआ भी नहीं था। नॉनसेंस, हर खूनी यही कहता है मिस्टर सोमू। मिस पुरी, सर्वप्रथम उसे ये बताने दीजिए कि वो पत्र किसने भेजा था, किसने भेजा था पत्र? कुबेर शेट्टी। कॉर्नर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि कुबेर शेट्टी को समन्स भेजा जाए, उन्हें यहाँ बुलाकर उनकी पूछताछ की जाए, उसके पश्चात ही केस आगे बढ़ाया जाए। परमिशन ग्रांटेड, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। तुम लोग यहाँ पर ऐसे रुके हो, कुछ नहीं होने वाला, अपने अपने घर जाओ। आप क्या चाहते हैं, वहां जाकर हम सब अपनी जान दे दें? हम यहां से सोमू को लेकर ही जाएंगे, वरना विश्वा की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, ये विश्वा की आवाज थी। उसने कहा है वो सोमू को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा सोमू को। संग्राम सिंह, विश्वा ने मुझे काम सौंपा है, मुझे काम सौंपा है। बॉस, पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों ने घेरा बना लिया, वो लोग सोमू के बिना नहीं जाने वाले। बॉस, लगता है सब उस भूतिया पतंग से भयभीत हो गए हैं। बहुत भयभीत तो अपुन भी है, वो पतंग उड़ाने का चीज है, खेलने का चीज है, वो सॉलिड झोल जाले। बॉस, ये तो मैं भी जानता हूँ श्रवण, प्रश्न ये उठता है कि अब करें तो क्या करें।
साहब, मैंने सोनू के बैंक में इंक्वायरी की, उसके बैंक में आज 3 लाख रुपए जमा हुआ। बॉस बॉस, अपुन को क्या लगता है ये सोमू कहीं सचमुच में पैसे के लालच वालच में तो नहीं आ गया? नहीं बॉस, हो सकता है। हाँ बॉस, हो सकता है कि ये भूतिया पतंग के राज और सबूत हत्याने के लिए उसने ऐसा झूठ बोला रहेगा और राहुल को मारा रहेगा। बॉस नहीं, मुझे लगता है कि सोमू को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदालत में 3 लाख रुपए की बात हुई थी और अब उसके खाते में 3 लाख जमा किए गए। और मुझे लगता है वरुण, जिसने भी ये पैसे जमा किए होंगे उसके खाते में, वो वहां स्वयं बैंक गया होगा नकद जमा करने, ताकि पता ना चले कि किस खाते से पैसे जमा हुए। सर, ये बैंक डिपॉजिट स्लिप की कॉपी है, लेकिन सर इस पर जो सिग्नेचर किया गया वो बड़ा आड़ा तिरछा है। आड़ा तिरछा? क्या है? कुछ नहीं। जाओ यहां से। अरे इन देखो भूतिया पतंग। भूतिया पतंग? ये भूतिया पतंग यहां कैसे आ गई? ये तो मेरी तरफ आ रही, ये मेरी तरफ क्यों आ रही? इस भूतिया पतंग ने एक और जान ले ली, न जाने कितनी और जाने देगी। साहब, कल रात में उस पतंग ने संग्राम सिंह को भी अपना निशाना बना लिया था। अगर इस सोनू को नहीं छोड़ा गया तो न जाने हमारे गांव में कितने लोगों की बलि चढ़ेगी। पंडित जी, ना कोई मरा है और ना कोई मरेगा। योर ऑनर, अपनी बात समझाने के लिए आपकी अनुमति हो तो अपने सहायकों को अंदर बुलाओ। इजाजत है। रमन, वरुण, आ जाओ। संग्राम, योर ऑनर जीवित। जुगनू जीवित। इन दोनों का अपहरण योर ऑनर उस पतंग ने किया था। उस पतंग का रहस्य मुझे पता चल गया था। सर्वप्रथम मैं अदालत से क्षमा मांगता हूँ योर ऑनर की। संग्राम को जिस पतंग ने अपहरण किया था वो पतंग मैंने उड़ाई थी। मैं स्पष्ट किए देता हूं हर बात को। हुआ वरुण, पतंग ले। योर ऑनर, ये पतंग दिखने में भूतिया लेकिन
इसमें कोई भूतिया वस्तु नहीं है योनर, बल्कि ये बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई पतंग है योनर। रिमोट कंट्रोल से चलती है और इसी के द्वारा मैंने ये पतंग उड़ाई थी। तो फिर वो विश्वा की आत्मा, उसकी आवाज? स्पष्ट है योनर की किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर वो आवाज अंकित कर दी गई थी और इसी रिमोट के साथ में उसे लगाकर चलाया गया। कौन कर रहा है ये नाटक? वो हम सब गांव वालों ने ये कहानी बनाई थी। हम लोग बन जा रहे हैं और हमने इस जमीन पर आकर डेरा डाला अपना, मगर ये जमीन पूरी तरह से बंजर है। यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती और ना ही कोई दूसरा उद्योग। हमारे पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं रहा और हम नहीं चाहते थे कि हमारे कबीले के लोग दूसरे शहर में जाकर काम करें, इससे हमारा कबीला बिखर जाता। तो हमने सोचा कि अगर ऐसी कोई कहानी बनाएंगे तो पर्यटक हमारे गांव में आएंगे, और उस भूतिया पतंग की कहानी सुनकर पर्यटक हमारे गांव में आने भी लगे। लेकिन सोमू और राहुल उस पतंग का राज खोल देते तो हमारी आमदनी का जरिया बंद हो जाता। तो इसी कारण आपने राहुल को मार दिया, उसकी हत्या कर दी? नहीं, राहुल को हमने नहीं मारा। हम तो उसे डरा धमका कर भेजना चाहते थे और हमने भेज भी दिया था, लेकिन जब सोमू गांव में मदद मांगने आया तब हमें पता चला कि वो विश्वा के घर भी गए। जब कोई भूतिया पतंग है ही नहीं तो अब ये साबित हो चुका है कि खूनी सोमू ही है। उसने पैसे की लालच में राहुल की हत्या कर दी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो एक बार कुबेर जी को बुला के प्रश्नोत्तर कर लूं। इजाजत है योर ऑनर, मैं कुबेर जी से प्रश्न पूछूं उससे पहले अदालत को ये बता देना आवश्यक समझता हूं कि मेरे मुवक्किल सोमू ने जो पत्र जला दिया था उसकी लिखावट विशेषज्ञों ने या कुबेर जी की लिखावट से मिलाया और ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि लिखावट कुबेर जी की है। बताइए कुबेर जी की क्यों कहा था आपने सोमू को कि वो उस पतंग के साक्ष्यों को आपको सुपुर्द करे? मैंने उस सबूतों को विदेशी टीवी नेटवर्क को बेचकर लाखों रुपए कमाना चाहता था। अच्छा, लेकिन ये राहुल का कौन से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो भी शीघ्र पता चल जाएगा। ये बताइए कि जब सुमू ने मना कर दिया वो साक्ष्य आपके सुपुर्द करने, तब आपने क्या किया? सुमू, ये सुमू ने कहाँ मना किया? ये खुद मुझे SMS भेजा है। ये लीजिए, देखिए। मैं साक्ष्य तुम तक लेकर आऊंगा, लेकिन कीमत तुरंत चुका देना। बताइए कि कब ये साक्ष्य आप तक पहुंचाए गए? कल शाम को। अच्छा, और रुपए सुमू के खाते में आपने जमा कराए? कल शाम को। योर ऑनर, अर्ध सत्य है। ये सत्य है कि कल शाम को सुमू के बैंक के खाते में 3,00,000 रुपए जमा किए गए थे, और जैसा कि कुबेर जी कह रहे हैं कि कल ही शाम को वो साक्ष्य इन तक पहुंचाए गए हैं। सोमू जी तो उस समय कारावास काट रहे थे, कारागार में थे, तो ये संभव नहीं कि सोमू गया हो इनके पास। तो कौन गया था वो साक्ष्य लेकर? संभवतः इस प्रश्न का उत्तर इनकी सेक्रेटरी जया के पास होगा। यार जया जी, आप सिंधुगढ़ का पर्यटन क्यों कर रही थी? मैं वहाँ कभी नहीं गई। ये आपकी कोहनी में चोट कैसे लगा बताइए जरा। वो मैं गिर गई थी। गिर गई थी या टकरा गई? और जब आप टकराई कीले से आपको चोट लगी? केवल इतना ही नहीं, आप जब टकराई तो आपका ये हार जो है, नेकलेस, दिल वाला, ये वहां गिर गया था। अब आप कह सकती हैं कि आपका नहीं है, लेकिन फिर इसे फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए भेजेंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप ही का है। बेकार में कोर्ट का समय व्यर्थ होगा, आप ही का है या प्रमाणित करूं? वो कुबेर सर ने भूतिया पतंग की स्टोरी के लिए अच्छे पैसे देना चाहते थे, और उस वक्त सोमू भी जेल में फंस चुका था। मैं पैसे की लालच में आ गई और उस गाँव में चली गई थी। देखिए, अब आधा सच बोल रही है आधा झूठ। जिस रात राहुल की हत्या हुई उस रात भी आप विश्व के घर में उपस्थित थी, इस बात को भी मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, लेकिन फिर अदालत का समय व्यर्थ होगा, आपकी सजा बढ़ जाएगी,
सजा कम करवानी चाहती है तो सत्य बोलिए, नरेश महोदय को थी या नहीं थी उस दिन राहुल के घर में? आप राहुल के घर में थी या नहीं थी, या प्रमाणित करो। हाँ हाँ, मैं वहाँ गई थी मैं वहाँ। लेकिन मैंने खून नहीं किया। जब मैं वहाँ पहुंची, राहुल का खून हो चुका था और वहाँ अफरी तफरी मची हुई थी, इसलिए मैं वहाँ कैमरे से चिप नहीं निकल पाई। लेकिन वहाँ मैंने किसी को भागते हुए देखा था। अच्छा, किसको? अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं पाई, लेकिन वो इंसान कार के पीछे छिप गया था। अगर जया ने भी सबूत नहीं चुराए हैं तो किसने चुराए? उसी ने, और जिसने कुबेर जी को वो एसएमएस भेजा था। लेकिन ये एसएमएस तो सोमो ने ही भेजा था ना? योर ऑनर, वो एसएमएस सोमो के दूरभाष यंत्र से अवश्य भेजा गया था, किंतु वो संदेश सोमो ने नहीं भेजा। ऐसी बात कर रहे हैं मिस्टर पाटिल? सोमो के अकाउंट में पैसे जमा हुए थे। योर ऑनर, उचित कहा, किंतु इस समय मैं अदालत को बताना चाहूंगा, ये जानकारी देना चाहूंगा कि बैंक का जो वो खाता है जिसमें 3 लाख रुपए जमा किए गए थे, वो केवल सोमू नहीं, सोमू के अतिरिक्त 2 और लोग चलाते थे, जॉइंट होल्डर्स, सोमू, राहुल और प्रियंका। सोमू कारागार में था, राहुल तो वही नहीं हमारे बीच, बाकी बची प्रियंका यहाँ। हाँ, मैंने पैसे की लालच में ये सब किया। उस रात जब मैं विश्वा के घर गई थी तो राहुल, अरे कोई है, कोई है? राहुल, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, सही हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन बिलीव मी, मैंने खून नहीं किया। ये मैं जानता हूँ, चिंतित मत होइए। जाइए, संग्राम जी को भेजिए। संग्राम, आपने अदालत में कथन दिया था कि जिस दिन राहुल की हत्या हुई उस दिन रोहिणी आपके साथ आपके घर पर थी। जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है, उस दिन आप स्वयं अपने घर पर नहीं थे, आप अपने घुटनों की चिकित्सा करवाने नमरुद्दीन वैद्य के वहाँ गए थे, और फिर वहाँ से जब आपने सोमू के चीखने की आवाज़ सुनी, तब आप फिर उस स्थान पर गए जहाँ सब एकत्रित हुए थे। Am I right or am I right? अर्थात क्या मैं सत्य कह रहा हूँ या सत्य कह रहा हूँ? हाँ, मैंने झूठ कहा। गाँव की छोरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए, ये अच्छा नहीं, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। सीधा मुद्दे पर आता हूँ, आपने राहुल की हत्या की या नहीं? नहीं। समय ना व्यर्थ करते हुए रोहिणी, सबसे पहले मैं सर्वप्रथम आपको इस हत्या का कारण बता देता हूँ। राहुल ने आपका तिरस्कार किया, आपको ठेस पहुंचाई, आप क्रोधित थी उससे, आपने एक नहीं अनेक बार उससे निवेदन किया कि आपको पत्नी होने का अधिकार दे। उसी रात यही घटना घटी राहुल के साथ। 6 महीने हो गए राहुल, अब तो बहाना बनाना बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ शहर जाके रहूंगी। प्लीज रोहिणी, अपनी बकबक बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता, अभी रुको। नहीं, मैं नहीं रुकने वाली, आज तो मैं तुम्हारे साथ जाके रहूंगी। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? इसमें जहर है, इससे हम मर भी सकते हैं, इससे हम अपने छानबीन में यूज करते हैं। अब चलो हटो। हेलो, सारे यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। हेलो, योर ऑनर, उस रात राहुल का पीछा करते करते रोहिणी विश्वा के घर गई, साथ में हत्या का औजार अर्थात वो वायर लेकर गई थी जिस पर विष लगा हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल, अपने मकसद के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी वजह से कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रोहिणी प्लीज। हाँ?
सासू जाने से पहले उस वायर के टुकड़े को इन्होंने सोनू की गाड़ी की डिक्की में छिपाया, ये सोच कर कि अगर पुलिस उसे गाड़ी में से बरामद करती है तो किसी भी गांव वाले पर संदेह नहीं जाएगा। अब बाकी की बात प्रमाणित करूं या आप न्यायाधीश महोदय से कम दंड की गुहार करेंगे? हाँ, आप सही हैं। मैंने मारा राहुल। Order, order, silence in the court, please. और मुझे इस बात पे जरा भी अफसोस नहीं है, जरा भी नहीं। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, मेरे साथ खिलवाड़ किया था, मुझसे शादी तो की मगर अपनी पत्नी बनाने का कोई इरादा नहीं था उसका। ऐसी हालत में मैं क्या करती? आप ही बताइए मैं क्या करती? देखो रोहिणी, जो तुम्हारे साथ हुआ उसका खेद तो है, लेकिन जो तुमने किया उससे अधिक दुखद है। The defense rests, Your Honor. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत रोहिणी को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और सोमू को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे आप जाएं उससे पहले पूछना चाहूंगा कि आज भी आप मर्दों से उतना ही नफरत करती हैं जितना पहले करती थी, या कुछ कम हुआ है? कुछ कम नहीं हुआ है मिस्टर पाठक, चीजें और बढ़ती ही जा रही हैं, महंगाई की तरह। See you later. Sad. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.